वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। आज के टॉपिक में हम 11th के जितने बेसिक फॉर्मूले हैं, जो बेसिक था हमारा डेरिवेटिव्स का, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो मेन है 12th क्लास में चेन रूल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेटिव्स आपने 11th क्लास में सीखा है, जो हमारा डेरिवेटिव्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज द पावर एन, एन इज रियल नंबर। तो जो डेरिवेटिव एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज द पावर एन माइनस वन, ये आपने 11th क्लास में किए हैं। फोर एग्जांपल, यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने डेरिवेटिव निकाला एक्स की पावर सेवन, यानी कि जो पावर है वो नीचे आ जाती है और सेवन नीचे आ गया, और बेस के ऊपर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। सेवन माइनस वन कितना हो गया, सिक्स। तो एक्स की पावर सेवन का डेरिवेटिव कितना हुआ, सेवन इंटू एक्स रेज द पावर सिक्स। इसी तरह मान लो मैं आपसे पूछता हूं एक्स की पावर थ्री का डेरिवेटिव कितना होगा, थ्री नीचे आ गया और एक्स की पावर टू। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इन जनरल, अब ध्यान दें इसी से हमारा एक कंसेप्ट निकला है, जो डेरिवेटिव होता है एक्स का, एन यहां पे कितना है वन, तो एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो पावर नीचे आ गई, एक पावर घट गई तो जीरो बच गई, और एक्स की पावर जीरो कितना होता है वन। तो यहां पे एक पॉइंट नोट करेंगे, जो डेरिवेटिव होता है हमारा एक्स का वो वन होता है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन। ठीक है, इसी का ये कंसेप्ट है। सेकेंड पे आते हैं हम, जो डेरिवेटिव है हमारा कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट लेते के, जो कॉन्स्टेंट के इज द कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, जैसे फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो के हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम फोर का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, जीरो। फाइव का डेरिवेटिव जीरो, सेवन का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। थर्ड पे आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ के इंटू एफ एक्स, के कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, तो के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव किसका आता है, फंक्शन का। ध्यान रखें जो हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं इसमें के का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, अगर के यानी कि कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 4x रेज द पावर 7, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एफ एक्स फंक्शन ऑफ x, यानी कि वेरिएबल जो हमारा है x का जो फंक्शन है x की पावर 7, तो डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो सिर्फ x की 7 का डेरिवेटिव रहेगा, और x की 7 का डेरिवेटिव अभी आपने निकाला है 4, 7 x की पावर n लग जाएगा 6, तो कितना आ गया 28x रेज द पावर 6। ठीक है, और आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से किया था, हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसमें करने में। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, 3 इंटू एक्स रेज द पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। कॉन्स्टेंट के साथ कोई भी आपका x हो y हो उसकी पावर हो तो उसका डेरिवेटिव आपने कैसे निकालना, ये तो मैंने आपको बताया स्टेप टू स्टेप। तो आप क्या करें, कॉन्स्टेंट को नीचे ले आए, 6 3 18, और x की पावर एक वही तो हो गया ना, 3 कॉन्स्टेंट है, सिर्फ x की 6 का डेरिवेटिव आएगा, 6 आएगा, 6 3 18 x की पावर 5, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह जैसे मैंने 4 इंटू एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव लिया था, तो जैसे कि मैंने बताया 7 को नीचे लेके आ गए तो कितना हो गया 28, और x की पावर एक कम कर दो 6। ठीक है, हमें क्योंकि जल्दी, ये बेसिक है बिल्कुल बेसिक, जो चलते चलते स्टेप्स में होगा, तो इनका डेरिवेटिव आपको सेकेंड्स में आना चाहिए, तो इतना हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम इनका जल्दी करेंगे डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ जिसकी हमें जरूरत है रूट एक्स, इंपॉर्टेंट है ये, इसी का है, एक्स की पावर एन से ही निकला है, यहां पे लिख देना था वैसे, एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, 1/2 √x। कैसे देखिए, x की पावर कितनी है 1/2,
एक्स की पावर एन है तो 1 बाई टू नीचे आ गया, एक पावर क्या हो गई घट गई, तो 1 बाई टू एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू। और जब हम इसको नीचे लेके आएंगे पावर को पॉजिटिव बन जाएगी 1 बाई टू, तो एक्स की वन पावर 1 बाई टू को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है ये हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिए, 11th क्लास में किया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो कैसे निकालेंगे हम डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड और प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है डेरिवेटिव जो हमारा होता है d by dx की बजाय एफ एक्स होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव d by dx लिख सकते हैं या f डैश x लिख सकते हैं, और y दे रखा है तो y का डेरिवेटिव dy by dx लिखें या y डैश लिखें, ठीक है। तो u इंटू वी डैश, डैश का मतलब d by dx भी लिख सकते हो आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो फंक्शन आपस में u इंटू वी, u और v x का फंक्शन है, जैसे u हमारा साइन x हो गया, x किसके हो गया, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड, इन दोनों में से आप किसी को फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसका डेरिवेटिव निकाला एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, दोनों फंक्शन है क्योंकि वेरिएबल है इसमें, तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये हो गया u, ये हो गया v, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लें, एक फंक्शन को फर्स्ट मान लो दूसरे को सेकंड मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड और प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, इस तरह हमारा अप्लाई हो गया। और साइन x का डेरिवेटिव मैं बता दूं, अभी मैं बताऊंगा आपको, हम करेंगे 11th क्लास में भी किया, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टू एक्स। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन रहती है, करना चाहो एक्स हमारा कॉमन आ रहा है तो एक्स कोस एक्स टू साइन एक्स, बस यहां पे हमारा मेन है कि हमने प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए, और फिर जो हम डेरिवेटिव जहां पे डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं उनका डेरिवेटिव लिख देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हैं, सॉरी दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हैं, तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स या यू बाई वी लिख देता हूं, अभी तो आप समझ ही गए, यू बाई वी डी बाई डी एक्स लिखो या डैश लिखो, एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर की स्क्वेयर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव यू डैश लिख सकते हैं या डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो आप, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, ये हमारा क्वेश्चन रूल होता है, या ऐसे बोल सकते हो आप इसको, डिनोमिनेटर की स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, आपने डेरिवेटिव निकालना है एक्स, डेरिवेटिव निकालना है आपने एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स का, दो फंक्शन आपस में डिवाइड है तो क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन रूल लगाएंगे साइन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी जैसे मैंने बताया साइन एक्स डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव न्यूमरेटर, एक्स की स्क्वायर इसका डी बाई डी एक्स लिखो या डैश लिखो, ठीक है, माइनस अभी जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है वही, यानी कि न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव किसका डिनोमिनेटर, ठीक है, साइन एक्स एक्स की स्क्वायर का तो आपको आता है टू एक्स, बस आपने रूल अप्लाई करना आना चाहिए, समझ आ रहा है,
क्या रूल अप्लाई करना आना चाहिए, और बाकी जहां पे डेरिवेटिव आ जाता है उसको डेरिवेटिव लिख दो। माइनस एक्स की स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। देखिए नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि आपने 11th क्लास में किया था, रिमाइंड करवा देता हूं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, आपको पता है कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, और सिक्स्थ हमारा डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसमें देखें टेन का जहां पे भी रिलेशन होगा आपको आइडेंटिटी की है, टेंथ क्लास में की है, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है और कोसेक स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर वन होता है। उसी तरह से सेक का जो रिलेशन मिलेगा टेन के साथ और कॉट का कोसेक के साथ, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर वन होता है आइडेंटिटी। तो टेन का देखो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स में आ रहा है और कोसेक के साथ मल्टीप्लाई में अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कोट, और सेक के साथ भी आ रहा है टेन, और जब कोट का डेरिवेटिव ले रहे हैं जैसे कोट और टेन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना तो स्क्वायर में आई है ना, तो कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, यही से हमारी ये समझे ट्वेल्थ की स्टार्टिंग मानी जाती है, जिसको बच्चे चेन रूल के नाम से मानते हैं, और अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो इलेवेंथ का बेस था सिर्फ, ये भी हमारा ट्वेल्थ का ही कह सकते हैं बिल्कुल बेस है स्टार्टिंग का, और इसको ध्यान से समझना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कंपोजिट फंक्शंस हम यहां पे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बोले, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डेरिवेटिव या कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको समझने से पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूं, आपने अभी किया था वाई इज इक्वल टू अगर एक्स की पावर फोर है तो यानी कि वाई किसका फंक्शन है एक्स का, ये बोलेंगे हम वाई किसका फंक्शन है एक्स का, तो इलेवंथ क्लास में भी किया है अभी भी मैंने करवाया था, डीवाई बाई डी एक्स आ गया मेरा फोर एक्स की पावर थ्री। अगर y इज इक्वल टू t की पावर 3 है तो dy बाई y किसका फंक्शन है t का, तो dy बाई dt आया मेरा 3t की पावर स्क्वायर, समझ आ रहे। अगर मैं y इज इक्वल टू u की पावर 4 समथिंग कुछ भी ले लू, 5 ले लिया मान लो 6 ले लेता हूं 6, तो y किसका फंक्शन है u का, ये बेस हमारा 11th का है जो कि हमने किया है, dy बाई du 6 u की पावर 5 हो गया क्योंकि y किसका फंक्शन था u का, ठीक है। अब ध्यान से देखें अगर मैं dy बाई dx निकालूं, लेकिन y तो किसका फंक्शन है u का फंक्शन है, अब निकाल आप क्या रहे हो dy बाई dx निकाल रहे हो, तो यही हमने करना है, यही चेन रूल है हमारा, इसी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना, y u का फंक्शन है तो ये आया, जैसे y x का फंक्शन होता था तो dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी यू निकालेंगे तो ये आ गया, और dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यही हमने पढ़ना है। देखिए इधर इसको मैं रब कर देता हूं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब है, देखिए इधर पहले आपने किया था y डायरेक्ट होता था फंक्शन x में ऐसे, अब अभी मान लो y फंक्शन है मेरा फॉर एग्जाम्पल u की पावर 5 और u आगे है फंक्शन x का, तो अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालें, ये कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, वही पहले किसका फंक्शन है यू का, फिर यू आगे जाके किसका फंक्शन है एक्स का या किसी और का भी हो सकता है, या यू हमारा टी का हो गया फिर टी आगे एक्स का हो गया, ठीक है। पहले वाई यू का फंक्शन है यू एक्स का, तो वाई क्या हुआ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि वाई यू का है फिर यू आगे एक्स का है, तो इस केस में हम dy by dx कैसे निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन है u का, इसका मतलब समझ में आ गया ना u की टर्म में, और u मेरा है x की टर्म में,
सपोज, तो dy बाई डी एक्स, पहले आप y को विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लेंगे, जैसे मैं अगर dy बाई डी यू निकालू तो 5 u की पावर 4 आएगा dy बाई डी यू, और फिर निकालेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द चेन रूल। ये क्या है, चेन रूल है। जो मेन है हमारा, देखिए क्वेश्चन हम स्टेट करेंगे बिल्कुल वन लाइन में क्वेश्चन होंगे हमारे, जो अभी हम तीन तीन चार चार लाइन में करेंगे वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, समझ आ जाए चेन रूल क्या है हमारा, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं, आपने फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 रेज का पावर 7, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ध्यान से देखना है, अभी मैं कहता हूं ये कंपोजिट फंक्शन है, हम एक लाइन में आंसर निकालेंगे बट समझना है आपने, क्योंकि आगे हम लॉगरिथमिक का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें आपको पता लग जाएगा हाँ सर ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इसको यू मान लेता हूं, क्या माना यू, लेट वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा यू रेज द पावर 7, लेट पुट 3x प्लस यू इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको मैंने u मान दिया। अब ध्यान से देखो, y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का, तो y क्या हुआ, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। तो इस केस में dy by dx कैसे निकालेंगे, पहले y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में, फिर u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो dy by du अभी मैंने इसलिए बताया था आपको, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू क्या निकला, 7u रेज द पावर 6, और यहां से du by dx क्या निकला, 3। तो dy by dx by chain rule कैसे निकालते हैं आप, dy by du into du by dx। अब ध्यान दें, du से du कट गया, वही बचा ना dy by dx, समझ सकते हैं आप, वही बच गया dy by dx। dy by du मेरा कितना है, 7u रेज द पावर 6 मल्टीप्लाई डी बाई डेक्स 3, यानी 20u रेज द पावर 6, यानी कि हमारा dy by dx कितना आ गया, 21। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आंसर x में आएगा, u हमने क्या पुट किया था, 3x प्लस 5 रेज द पावर 6, इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। अभी हमने क्वेश्चन किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 रेज द पावर 7। अभी इसी चेन रूल से हम फॉर्मूला दोबारा एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं हम, जिससे कि हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें। इफ वाई इज इक्वल टू यू रेज द पावर एन, यानी कि वाई किसका फंक्शन है, यू का, वही सेम इसी को हमारा दोबारा रिस्टेट कर रहे हैं हम, where u is the function of x, u किसका फंक्शन, आगे x का फंक्शन है, then derivative dy by dx, y किसके इक्वल है, u के, तो derivative of u raised the power n is equal to dy by du, यानी कि y तो हमारा ये है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू n, अच्छा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू ओवर u की n है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो क्या आएगा, n नीचे आ गया और एक पावर घट गई, n u रेज द पावर n माइनस 1, और du बाई dx। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी उसी क्वेश्चन को हम करते हैं, अगर हम देखें u की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, इस चीज को नोट करें आप, u किसका फंक्शन आगे, x का, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू u की n लेता हूं तो जैसे x की पावर n का करते हैं, अगर यहां पे x होता है यहां पे x होता है तो क्या करते हैं आप, ऐसा करते हैं, अगर यहां पे सेम है, ये इंपॉर्टेंट है, 6th चैप्टर में बहुत यूज होता है, सारा यूज है हमारा 5th चैप्टर में, दोनों अगर सेम है तो
तो क्या फर्क पड़ा, यहां पे x था यहां पे भी x है तो ये हो गया। अगर बट यहां पे x है तो अलग हो जाएगा। पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे और फिर बेस का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन हमने किया था 3x plus 5 raise the power 7। अभी मैंने बताया था इसको मैंने u पुट किया, y u का फंक्शन है, u की पावर n और u आगे x का फंक्शन है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है y डेरिवेटिव ऑफ u raise the power n, u की n का इसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय डेज। अब हम सीधे क्वेश्चन निकाल लेंगे, पुट नहीं करना हमें, y इज इक्वल टू यू की पावर n, इसको u मान लिया हमने, जैसे हमने जमाना था u माना था, u यहां पे पुट करने की जरूरत नहीं, n u u हमारा क्या है ये n माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा बेस का, तो dy by dx हमारा क्या आ गया 7 3x plus 5 raised to power 6, इसका डेरिवेटिव तो आपको आता है 5 का 0 हो गया, अलग अलग का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका कितना हो गया 3, तो वही आ गया हमारा 21 3x plus 5 raised to power 6। अब जो हमने डेरिवेटिव इसका सेम, अगर मैं इन अदर वर्ड्स सिंपल वे में अगर आपको बताऊं, हमने u की पावर n समझा है, जैसे हम x की पावर n का करते हैं डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं, बेस रेज टू द पावर, कहीं पे भी बेस हो आपका लेकिन पावर आपकी कांस्टेंट हो 7, 8, 9, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हम x की पावर n में करते हैं पावर नीचे आ जाती है, बेस को क्या करते हैं कम कर देते हैं, एक वही सेम कर रहे हैं हम, u की पावर बोले इसको, u है इसका मतलब, या x की पावर n बोले, बेटर है आप इसको u की पावर n बोले, तो 7 नीचे आ गया, एक पावर कम हो गई, फिर एक डेरिवेटिव बेस का हो लेना है और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, बस ये याद दिलाएगा आपको इसको u की पावर n, जैसे x की पावर n का क्या होता है, u की पावर n का भी आप याद रखें n u की पावर n माइनस 1, फिर बेस का हो जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारा है 6x की स्क्वायर प्लस माइनस 7 x रेज द पावर 3, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, अभी जैसे मैंने बताया कहीं पे भी आपका नीचे का एक्सप्रेशन है, चाहे साइन हो चाहे लॉग हो, लेकिन ऊपर की जो बेस कुछ भी हो, साइन हो लॉग हो, ठीक है, या एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लेकिन पावर आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आपने यू की पावर एन समझे या एक्स की पावर एन समझे, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं तो क्या हो जाती, पावर नीचे आ जाती है, यानी एन इसको यू समझा था हमने, एन यू की पावर एन माइनस वन, एक पावर घट गई, तो डेरिवेटिव किसका और आएगा बेस का, और बस आपने बेस का और डेरिवेटिव बढ़ा देना है, 3 6x² - 7x, ये पावर 2 है यहां पे, और इसका डेरिवेटिव तो आपने अभी किया था 6x² - 12x - 7, तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया।